वो लोग तुम्हें लिंक्डइन पे रीच आउट करते हैं कि आर यू लुकिंग फॉर सम चेंज, आर यू लुकिंग फॉर अ फ्रेशर रोल टाइप समथिंग. तो थोड़ा सा लिंक्डइन प्रोफाइल अगर एक्टिव रखोगे तो दैट विल रियली हेल्प यू. एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, एक प्रोजेक्ट हो बट सॉलिड हो, दैट इज गुड. ऑन कैंपस में तो सब जगह है, सीजीपी के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी, सैमसंग देखती है. तो इसका फर्स्ट राउंड बहुत यूनिक है. द पॉइंट इज कि यार इनबिल्ट लाइब्रेरी नहीं यूज कर सकते. Hi, myself Farik here. So, in this video, मैं डिस्कस करने वाला हूँ a complete strategy guide to crack a company like Samsung. तो Samsung एक amazing company है जिसके बहुत सारे products हम लोग use करते हैं, TV हो गया, refrigerator हो गया, but वो tech में भी काफी ज्यादा काम करती रहती है, research में बहुत ज्यादा काम करती रहती है, and overall उनकी website भी है, तो they continuously hire developers, है ना? तो मैं उसकी एक पूरी strategy बताने वाला हूँ कि हमें Samsung के अगर interview निकालने हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है और अपनी preparation में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है. तो मैं चार चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, प्रिपरेशन टिप्स, हमें प्रिपरेशन में क्या रखना है, रिज्यूमे में क्या ध्यान रखना है, अप्लाई करने के टाइम क्या ध्यान रखना है, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, और सीजीपी का कुछ फर्क पड़ता है क्या, ये सब बताने वाला हूं, है ना. और लास्ट में एक और चीज डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू राउंड्स कैसे कैसे क्या होते हैं, है ना. सैमसंग में कुछ कुछ चीजें यूनिक होती है जो उसमें हमें इंटरव्यू राउंड्स में ध्यान रखना होता है, अपनी प्रैक्टिस में थोड़ा वो चीजें लानी पड़ेंगी वरना सैमसंग के इंटरव्यू निकालना टफ हो सकता है. तो इन चारों चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, सो स्टे टिल एंड द वीडियो, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे सैमसंग जैसी कंपनी फोड़नी है. और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा देना, है ना, दैट विल इन्फॉर्म यू कि हमारे चैनल पे नई नई वीडियोस आ रही हैं. और ऐसी वीडियोस हमने और भी बना रखी हैं, Amazon की, Microsoft की, Google की, सो डू चेक आउट देम एज वेल, है ना. उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, सो उनको भी चेकआउट करो. और मैं जैसे बोलता हूँ ये सारी चीजें जो मैं लेकर आ रहा हूँ, प्रिपरेशन टिप्स, रिज्यूमे टिप्स, एप्लीकेशन प्रोसेस और इंटरव्यू राउंड्स की इन्फॉर्मेशन, आई सी लॉट ऑफ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, उनके कॉरस्पॉन्डिंग में कंबाइन करके इन्फॉर्मेशन लाता हूँ और तुम्हें इस वीडियो में बताता हूँ. तो इन चारों चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं. एंड जो मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखे हैं उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से भी तुम रेफर कर सकते हो, ठीक है. कुछ चीजें अगर मैंने मिस कर दी तो वहां से आप अच्छे से तुम चेकआउट कर सकते हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स के बारे में. तो यार सैमसंग जैसी कंपनी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, आई थिंक मोस्टली कंपनीज के लिए वही है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है. इवन हार्ड टॉपिक्स लाइक डीपी, बैक ट्रैकिंग, ग्राफ्स, क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, इन टॉपिक्स को मिस नहीं कर सकते. ग्राफ्स के एडवांस एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ने हैं, कई कई जगह बेसिकली एमएसटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इनको मिस आउट नहीं करना. अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की प्रैक्टिस करनी है, तभी इंटरव्यूज, तभी फर्स्ट राउंड ये सब निकलेगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं मिस कर सकते. दूसरी बात, क्या ओएस डीबीएमएस आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, इंटर्नशिप में भी आ रहा है, फुल टाइम में भी आ रहा है. तो अपनी प्रिपरेशन में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की तैयारी, डीबीएमएस की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी. कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको भी मिस नहीं करेंगे, है ना. इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है तो हमारा पब्लिक प्लेटफॉर्म भी है, कोड स्टूडियो, उसको रेफर कर सकते हो, है ना, वहां से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो. और अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन में और चीजों को क्या ध्यान रखना है, यार प्रिपरेशन में हमें टेस्ट वगैरह देते रहने चाहिए, क्योंकि इसका ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट जैसे फुल टाइम का जो होता है वो काफी लंबा टेस्ट होता है, तो थोड़ा सा टेस्ट देने की आदत होनी चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन, है ना, चाहे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स हो, चाहे कुछ हो. और एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, एक प्रोजेक्ट हो बट सॉलिड हो, दैट इज गुड एनफ, है ना. सो ये चीज उन्होंने बोली है, तुम लोग रेफर कर सकते हो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस. बट ये आई थिंक एक जेनरिक टिप्स है, डीएसए ओप्स तो है ही, ओएस डीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क्स बिल्कुल पढ़ना है ना. तो ये सब चीजें आती हैं इंटरव्यूज में, थोड़े हार्ड लेवल के इंटरव्यूज होते हैं इसके, तो मेक श्योर यू डू वेल एंड प्रिपेयर वेल फॉर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, है ना, इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस मत करना. चलो अब आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं रिज्यूमे टिप्स के बारे में. देखो रिज्यूमे टिप्स बहुत ज्यादा अलग नहीं है, खास नहीं है, बेसिकली यही है, सिंपल रखना है, क्रिस्प रखना है, प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छे से डालना है, टेक्स्ट टैग जो यूज करा है उसको अच्छे से स्पेसिफाई करना है, सीजीपीए बिल्कुल डालनी है रिज्यूमे पे चाहे कोई भी हो, बिकॉज सैमसंग लुक्स एट सीजीपीए, तो सीजीपीए को मिस मत करना, है ना. अपने कॉलेज का नाम सबसे ऊपर, एजुकेशन वगैरह डालो, फिर अपनी स्किल्स वगैरह डालो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की रैंक्स हो तो बिल्कुल डालो, है ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं शॉर्टलिस्टिंग होने में. प्रोजेक्ट के बारे में ढंग से बताओ, सो स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा अलग से कुछ नहीं है कि सैमसंग के लिए हमें ध्यान रखना है, बट अच्छे से बनाओ, एक पेज का रिज्यूमे बनाओ, क्रिस्प बनाओ, जो चीजें तुमने करी है उनको ऑनेस्टली लिखो और जो चीजें तुम्हारी अच्छी है उनको अच्छे से मेंशन करो, स्टैंडर्ड है.
अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द एप्लीकेशन प्रोसेस, है ना। तो यार ऑन कैंपस की मैंने जैसे बात करी, ऑन कैंपस में सीजीपीए पे फर्क पड़ता है। तो कुछ कॉलेजेस के लिए वो 7 एंड अबव है, कुछ कॉलेजेस के लिए 7.5 एंड अबव है, एंड कुछ कॉलेजेस के लिए 8 एंड अबव भी है। तो जिन कॉलेजेस में 8 एंड अबव ज्यादा होती है तो वहां पर 8 एंड अबव रख देते हैं वो। तो थोड़ा और है तो सब जगह ऑन कैंपस में, तो सब जगह है। सीजीपीए के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी, सैमसंग देखती है, ठीक है। तो सीजीपीए जितनी अच्छी रख सकते हो रखने की कोशिश करना, दैट विल रियली हेल्प यू। अगर मैं ऑफ कैंपस की बात करूं, तो जो मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखे हैं, इधर उधर लोगों से बात करी है, तो यार ऑफ कैंपस में क्या होता है सैमसंग में, देखो एक तो उनकी एक ऑफ कैंपस की ड्राइव चलती है सैमसंग की, है ना। तो उनकी वेबसाइट पे एक लिंक है जिसका मैं डलवा दूंगा, मैं एक ब्लॉग भी डलवा दूंगा जिसके अंदर तुम चेकआउट कर सकते हो कि इनकी ऑफ कैंपस ड्राइव कैसे चलती है। उसमें थोड़ा एक्टिव रहो, अप्लाई करो अपने रिज्यूमे वगैरह से, दैट विल रियली हेल्प यू। बाकी वो लोग लिंक्डइन पे, उनका एक सैमसंग टैलेंट एक्विजिशन करके है, वो लोग तुम्हें लिंक्डइन पे रीच आउट करते हैं कि आर यू लुकिंग फॉर सम चेंज, या आर यू लुकिंग फॉर अ फ्रेशर रोल टाइप समथिंग। तो थोड़ा सा लिंक्डइन प्रोफाइल अगर एक्टिव रखोगे तो दैट विल रियली हेल्प यू। वो लोग खुद से रीच आउट करते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल पे सर्च करते हैं कि कौन कौन सॉफ्टवेयर डेवलपर आजकल चल रहा है, इनकी ऑफ कैंपस हायरिंग चल रही होती है। थोड़ा सा सर्च एक्टिव रहोगे ऑफ कैंपस ड्राइव में तो तुम्हें आइडिया मिलता रहेगा कि क्या क्या चल रहा है। एंड अगेन ऑफ कैंपस में भी थोड़ा सीजीपीए के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है। तो यार अपनी सीजीपीए जितनी अच्छी रख सकते हो उतनी अच्छी रखने की कोशिश करना, दैट विल रियली रियली हेल्प यू, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने बता दिया, सीजीपीए के बारे में बता दिया मैंने, बेसिकली ऑन कैंपस में क्या करना है, ऑफ कैंपस में क्या करना है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो हमारी तीन चीजें हो गई, प्रिपरेशन टिप्स हो गई, रिज्यूमे टिप्स हो गई, और हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में हमें पता लग गया। अब बात करते हैं मेन चीज जो यूनिक है सैमसंग के बारे में, इंटरव्यू राउंड्स, ठीक है। देखो यार इंटरव्यू राउंड्स, अभी पहले मैं इंटर्नशिप की बात करता हूं। तो इंटर्नशिप में पहला राउंड होता है को क्यूब्स का होता है, उसके अंदर टेस्ट केसेस वगैरह पास करने होते हैं। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज उसमें एसटीएल वगैरह यूज नहीं कर सकते, मतलब तुम्हें एक सॉर्ट अगर यूज करना है तो तुम्हें खुद से पहले कोड करना पड़ेगा, है ना। एंड सिमिलरली एक फुल टाइम में भी एक ही क्वेश्चन आता है, फुल टाइम में एक ही क्वेश्चन आता है, वो 3 घंटे का होता है। इंटर्नशिप में 3 क्वेश्चन आते हैं, तो बट द पॉइंट इज एसटीएल वगैरह यूज नहीं कर सकते। तो हमें खुद से कोड करना सब कुछ आना चाहिए, हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कोई हमें एसटीएल नहीं दे रहा उसके बावजूद भी हम कोड कर पा रहे हैं, है ना। इनबिल्ड लाइब्रेरी नहीं यूज कर सकते, चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, तो हमें बिना लाइब्रेरी का कोड यूज करे हुए थोड़ी सी आदत होनी चाहिए, है ना। तो प्रीवियस सैमसंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस देखो, उसमें तुम्हें पता लग जाएगा कि फर्स्ट राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो प्लीज उनको बिना एसटीएल करने की प्रैक्टिस करो, एंड इन जनरल इट विल रियली हेल्प यू। तुम फटाफट से अच्छा कोड भी लिख पाओगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हो। तो इसका फर्स्ट राउंड बहुत यूनिक है, द पॉइंट इज कि यार इनबिल्ड लाइब्रेरी नहीं यूज कर सकते। तो हमें ना बहुत ज्यादा आदत होती है सॉर्ट, राइट, कंपेयर, ये सब डायरेक्टली यूज करने की, बाइनरी सर्च लगाने की डायरेक्ट इनबिल्ड यूज करने की, वो चीजें नहीं चलती हैं। खुद से कोड करना आना चाहिए, है ना। तो मेहनत भी करवाते हैं वो और कोड क्वालिटी तो चेक करते ही हैं। तो जो ऑनलाइन राउंड के बाद जो शॉर्टलिस्टिंग होती है ना, उसमें 2-3 फैक्टर्स के बेसिस पे होती है। तुमने कितना टाइम लगाया उस क्वेश्चन को करने में, तुम्हारा कोड कितना साफ है, राइट, सब कुछ चेक होता है, और ऑब्वियसली टेस्ट केसेस सारे पास हुए या नहीं हुए, है ना। तो ऑनेस्टली ये सब चीजें चेक होती हैं सैमसंग के टेस्ट में। तो कोई बैठा है जो पीछे तुम्हारी ये सब चीजें चेक कर रहा होगा, तो अपनी कोड क्वालिटी पे भी थोड़ा ध्यान रखो, अपने टेस्ट केसेस पास करने तो है ही, और बेसिकली टाइम जितना कम लगा सकते हो उतना लगाने की कोशिश करना, है ना। तो काफी ज्यादा फर्स्ट राउंड बड़ा ग्रिल डाउन होता है, तो बी रेडी फॉर दैट। आगे के इंटरव्यूज में अगर मैं बात करूं, टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, है ना, इंटर्नशिप में एक होता है, फुल टाइम में 2 से 3 हो सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस। उन सब में मोस्टली डीएस एंड एल्गो के क्वेश्चंस आए हुए हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, ट्रीज, लिंक्ड लिस्ट, रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, इन सब के क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस डाले हुए हैं, वहां जाके तुम क्वेश्चंस देख सकते हो कौन कौन से आए हुए हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट आते हैं, राइट। और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस आ जाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऊप्स के कुछ कुछ बेसिक सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बी रेडी फॉर दीज एज वेल, है ना। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बड़े स्टैंडर्ड देखो आते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही हैं बट पूछे जाएंगे, है ना। तो बेसिकली बी रेडी फॉर एवरीथिंग, कुछ भी पूछा जा सकता है, बट ये होगा तुम्हें अच्छे से अगर प्रैक्टिस करी हुई तो अच्छे से तुम इंटरव्यू निकाल पाओगे, है ना। तो टॉपिक्स वही है डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह के, OSDBMS के, बट अच्छे से पूछे जाएंगे, है ना, मतलब लंबे चलेंगे इंटरव्यूज, तो बी रेडी फॉर दैट। और अगर मैं बात करूं एक और राउंड की, विच इज वेरी स्पेशल, विच इज HR राउंड, है ना, होता है इंटर्नशिप में भी होता है और फुल टाइम में भी होता है। तो HR राउंड तो सब जगह होगा,
तुम्हारे से थोड़े से वैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि तुम सैमसंग में क्यों आना चाहते हो, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या हैं, तुम्हारे गोल्स क्या हैं लाइफ में, तुम 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो। तो बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो तुम्हारा एटीट्यूड चेक कर रहे हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस चेक कर रहे हैं कि तुम्हारे लाइफ में एम क्या है, क्या तुम सैमसंग में ज़्यादा टाइम तक रुक पाओगे नहीं रुक पाओगे, सब चीज़ें देख रहे हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, अपने माइंड में दिमाग में लगा लेना। इट्स नॉट अबाउट, थोड़ा जेन्युइन रहना है ना, बट थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो सकते हो कि हर चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा मत करना कि बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के दे दो, है ना। थोड़ा सोच समझ के एंड जो तुम्हारे साथ अलाइन होता है थॉट प्रोसेस के साथ, उसके हिसाब से हमें जवाब देने। तो एचआर राउंड होगा, है ना। एंड मैंने बहुत लोग देखे हैं कि टेक्निकल इंटरव्यूज निकाल लिए, एचआर राउंड नहीं निकाल पाते। तो प्लीज़ एचआर राउंड की भी थोड़ी सी तैयारी कर लेना, बेसिक से क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस कर लेना, है ना। तो ओवरऑल यही सब है ना। मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया, मैंने प्रिपरेशन टिप्स बता दी, मैंने रिज्यूमे टिप्स बता दी, मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस बता दी, इंटरव्यू राउंड्स बता दिए। मोस्टली यही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यार एसटीएल नहीं यूज कर पाते ऑनलाइन राउंड में, वहां पर इनबिल्ट फंक्शंस नहीं यूज कर पाते, खुद से लिखने पड़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ्स के भी क्वेश्चन आते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अगर मैं आगे की बात करूं एचआर राउंड के थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम ये सब कर लोगे, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख लोगे पुराने, तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा कि हाँ सैमसंग की जैसी कंपनी में कैसे निकाल सकता हूं, है ना। तो अच्छे से इसकी तैयारी करो और सैमसंग जैसी कंपनी निकालो, ठीक है। सो अगर तुम्हारी कोई और रिकमेंडेशन हो इस टाइप की वीडियो की, किसी और कंपनी के लिए चाहते हो, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर दैट। तुम लोग जो जो मांगते हो वो आता रहता है ना। तुमने सैमसंग मांगी थी तो आज सैमसंग आ गई। तो और कोई कंपनी हो जो तुम्हारे दिमाग में चलती हो कि मुझे इस कंपनी के बारे में जानना है, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ऐसी वीडियोज मैंने और डाल रखी है, मैंने जैसे बताया है अमेजोन की, माइक्रोसॉफ्ट की, डी शॉ की, गोल्डमैन सैक्स की, डू चेक आउट दोज वीडियोज। अच्छे से स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाई जा रही हैं, है ना। लिंक्स वगैरह होते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के, उसको अच्छे से देख लो एंड इंटरव्यू में जाने से पहले उनको अच्छे से रेफर कर लो, दैट विल रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। और इसके अलावा कोई और रिकमेंडेशन हो, इन जनरिक कोई वीडियो चाहिए हो किसी टॉपिक पे, वो बता दो कमेंट बॉक्स में, आई विल बी रियली हैप्पी, है ना। लाइक एंड शेयर करो वीडियोज को, सब्सक्राइब करो चैनल को, मिस मत करना। एंड आई होपफुली तुम बहुत सारा लर्न कर रहे हो, हमारे चैनल को सपोर्ट करो, और जो भी तुम्हारा लव हो वगैरह हो सब कमेंट बॉक्स में शेयर करो, ठीक है। चलो आई थिंक ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, गुड लक।